हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं फोन की ओवर चार्जिंग के बारे में कि क्या आपको ओवर चार्जिंग करनी चाहिए, क्या ये सेफ है आपके स्मार्टफोन के लिए या फिर इससे आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है, वो अपनी कैपेसिटी खो सकती है। और अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो आपके स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन बैटरीज होती है जिनके अंदर लिथियम आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज होते हैं, और चार्ज होने के बाद जब वो एक ऐसे स्टेट पर, ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि अब वो सफिशिएंट चार्ज हो गए तो वो आपके फोन को पावर देना शुरू कर देते हैं। पर अगर हम उनमें करंट को पास करवाते रहें, यानी कि उन्हें चार्ज करते रहें, अपनी बैटरी को चार्ज करते रहें, चार्ज करते रहने से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट चार्ज होने के बाद भी अगर हम उसमें करंट डालते ही गए तो और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर वो हीट कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुई यानी उसे निकलने का रास्ता नहीं बचा तो आपका फोन एक्सप्लोड भी हो सकता है और आपकी बैटरी डैमेज भी हो सकती है। तो आपने इंटरनेट पर काफी बार सुना होगा कि ओवर चार्जिंग करना बेकार है, आपको पूरी रात अपना फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो फट सकता है या उसकी बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो सकती है, बेकार हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, जिसके लिए आपको उसे रिप्लेस करना होगा। पर इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, एचटीसी, नोकिया जैसी कंपनीज जो अच्छी मैन्युफैक्चर कंपनी है और उनके मोबाइल जैसे S7, S7 Edge या फिर iPhone 6, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, इन जैसे फोन में एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं ऑटो पावर कट। आपके जैसे ही फोन में 100% बैटरी फुल हो जाती है वो अपने आप पावर को कट कर देता है, फिर चाहे आप उसे कितनी ही देर ओवर चार्ज कीजिए, एक बार 100% पूरी होने के बाद आपकी दीवार में से जो करंट उस फोन के पास आ रहा है वो उसे काट देगा, वो उसे आने ही नहीं देगा। तो ये थी लेटेस्ट मैन्युफैक्चर डिवाइसेस के बारे में। पर बात करते हैं ओवरऑल डिवाइसेस की। तो जब कोई कंपनी अपने मोबाइल्स को बनाती है तो बनाने के बाद काफी सारे टेस्ट करती है, उनके उस सेट को, उस मोबाइल डिवाइस को काफी सारे टेस्ट्स में से गुजरना होगा, जिसमें तरह तरह के बैटरी स्टेटस के टेस्ट देखते हैं, बैटरी कैसे रिएक्ट करेगी अगर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होगा, ये कैसे रिएक्ट करेगी अगर इसका टेम्परेचर लो होगा, या कितनी हीट ये सह सकती है। इन सभी टेस्ट को पास करके वो अपने कस्टमर के हाथ में फोन दे देते हैं। आजकल अर्थ पर इतने ज्यादा मोबाइल डिवाइसेस हो गए हैं, लोग उन्हें काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक आदमी दो दो मोबाइल रखता है और अर्थ पे इतने ज्यादा मोबाइल डिवाइस हो गए हैं, और आप कभी ही न्यूज सुनते होंगे कि उसकी बैटरी फट गई, वो एक्सप्लोड हो गया या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया। तो इनमें जो भी केसेस होते हैं, मैक्सिमम केस में एक बात सेम होती है, या फिर कह लीजिए उनमें या तो फिर वो अपने फोन के लिए किसी थर्ड पार्टी चार्जर का यूज करते हैं उन्हें चार्ज करने के लिए, या अपने फोन की बैटरी को रिप्लेस करते वक्त वो उनमें थर्ड पार्टी बैटरी डाल देते हैं, या फिर उसके साथ वो कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से काफी पॉसिबल चांसेस है कि ओवर चार्जिंग करते वक्त इन सब चीजों से छेड़खानी करने के बाद आपका फोन खराब हो सकता है या फिर एक्सप्लोड भी हो सकता है। एक केस ऐसा भी आया था कि जिसमें घर में आग लग गई थी, पूरे के पूरे घर में आग लग गई थी, और इसका रीजन था कि उस लड़के ने एक बेकार थर्ड पार्टी के सस्ते से चार्जर का यूज किया था अपने फोन को चार्ज करने के लिए, जो एक बेकार चार्जर था, जिस वजह से सबसे पहले फोन में आग लग गई, उसके बाद पूरे घर में। तो पॉसिबल चांसेस यही रहते हैं कि आप अपने फोन की बैटरी को रिप्लेस करते वक्त एक अच्छी बैटरी से ही रिप्लेस करिए, कोई थर्ड पार्टी बैटरी नहीं, कोई थर्ड पार्टी चार्जर नहीं, या फिर ऐसे ही बेकार मैन्युफैक्चरर्स की चीजें ये अपने फोन में कभी मत डालिए, ना ही इनसे चार्ज कीजिए। ऐसे केसेस में आपके फोन की बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है और ओवर चार्जिंग करते वक्त इन्हीं केसेस में वो फट सकता है। पर अगर आप अच्छे मैन्युफैक्चर, ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर के फोन्स को यूज करते हैं, उनके चार्जिंग इक्विपमेंट को यूज करते हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। अगर फिर भी आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप अपने फोन को रात में चार्ज करते हैं, आप जैसे ही काम से आते हैं उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं और सुबह फिर से लेकर निकल जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि और सेफ रहने के लिए आपका जितना आउटपुट वोल्टेज है या एम्पेयर है, आप एक दूसरा चार्जर खरीद लीजिए जिसका उससे कम हो, जो उसमें थोड़ा सा कम करंट पास करे आपके मोबाइल में। आप पूरी रात अपने मोबाइल डिवाइस को उससे चार्ज कीजिए और फिर आप बिल्कुल सेफ है, आपके स्मार्टफोन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये काफी रेयर होता है कि उनकी बैटरीज थोड़ी खराब हो गई हैं या फिर वो थोड़ा फूलना शुरू कर देती हैं, पर आप जैसे ही केयर पर जाते हैं तो आपके फोन को बिल्कुल ठीक कर देती है, सेट कर देती है, जैसा वो था उन्हें वैसा कर देती हैं।
तो ओवरचार्जिंग करने से आपके फोन को कोई नुकसान नहीं होता जब तक आप ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर, एक भरोसेमंद सेफ मैन्युफैक्चरर की इक्विपमेंट या फोन्स को यूज करते हैं। अब बात करते हैं, आपने काफी सुना होगा कि अगर मैं ओवरचार्जिंग करूं अपने फोन को, पूरी रात चार्जिंग करूं या काफी टाइम तक चार्जिंग करता रहूं, तो मेरे फोन की बैटरी की जो कैपेसिटी है वो घटते घटते इतनी कम हो जाएगी कि मुझे बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये बात सही भी है और गलत भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर आप थर्ड पार्टी बैटरी यूज करेंगे वो तो खराब है ही, पर जो ओरिजिनल बैटरीज होती हैं अगर आप उन्हें ओवर चार्जिंग करेंगे, एक दिन में कोई असर नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं, वो धीरे धीरे असर करना शुरू करेगी 10 से 11 महीने बाद, 1 साल बाद, पर उनमें वो जो असर करेगा उसकी कैपेसिटी पर वो काफी कम होगा, वो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अगर आप बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4, 5 साल तक करेंगे तो आपकी बैटरी खराब हो सकती है, पर उस टाइम तक आप एक नया फोन ले सकते हैं। आपने एक नया फोन ले चुके होंगे, आपने इस फोन को बेच दिया होगा, तो आप सोचते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ओवर चार्जिंग करने से आपकी बैटरी की कैपेसिटी बेकार होती है, पर वो इतने कम लेवल पर होती है कि आप उसे नोटिस नहीं कर पाते जब तक आप एक नया फोन ले लेते हैं या फिर पुराने को बेच देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।